कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और मैं हूं कंचन. देखते हैं आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं. वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इनवर्स के बारे में डिस्कस किया है इस चैप्टर में, राइट. तो हम एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2. तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 में देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है इन द क्वेश्चन, राइट. तो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 sin inverse x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x minus 4x cube, राइट. ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है. वेयर x जो है वो बिलोंग करता है माइनस हाफ से प्लस हाफ, जहाँ पर हमारे पास x की ये वैल्यूज़ गिवन है. यानी कि ये जो x हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन द क्वेश्चन, ये वेरी करता है फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ, राइट. तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ पुराने फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी जो हम क्लास 11 में कर चुके हैं, राइट. तो आपका जो क्लास 11 का चैप्टर है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट. तो सबसे पहले आपको यहाँ देख कर शायद कुछ आइडिया लग जाए कि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कुछ इसी तरह से दिखता था, ठीक है. इसको देखने से ही आपको आइडिया लगेगा वो फॉर्मूला क्या था. एक फॉर्मूला था हमारे पास, साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था. क्या था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है. और अगर आपने क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर था वो अच्छे से नहीं किया है, तो आपको ये फॉर्मूला भी नहीं आता होगा और आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए आपको एक बार जब आप ये चैप्टर करें उससे पहले अपना जो क्लास 11 का चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसे रिवाइज करना है. एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी आपको लर्न होने चाहिए, राइट. तो सबसे पहले साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है. साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 sin theta minus 4 sin cube theta के. ये जो फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin theta minus 4 sin cube theta, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस, ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, राइट. तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड. हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और उसे इक्वल दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के. तो राइट हैंड साइड मेरा है साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x cube, ठीक है. मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ये जो x है अगर इसे मैं साइन थीटा पुट कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 sin theta minus 4 sin theta का क्यूब. क्या ये सेम नहीं है जो ये राइट हैंड साइड है, इस आइडेंटिटी का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, क्या ये वही नहीं आ जाएगा सेम. देखो यहाँ पर x जहाँ जहाँ है उसकी जगह पर इस आइडेंटिटी में साइन थीटा है. तो मैं क्या करने वाली हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन थीटा को मैं, मतलब x को मैं साइन थीटा पुट करने वाली हूँ. तो पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स ऑफ 3 sin theta minus 4 sin cube theta. अब मैंने आपको अभी अभी एक आइडेंटिटी बताई है. क्या है आइडेंटिटी, कि 3 sin theta minus 4 sin cube theta जो है ये इक्वल होता है साइन 3 theta के, राइट. तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह, ये जो मेरे पास एक कंप्लीट टर्म आई है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसकी जगह क्या मैं 3 sin theta रख सकती हूँ. यस. तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू साइन 3 theta राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर मैं इसकी जगह रख दूंगी साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 theta, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 theta के इक्वल. अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, हमने राइट हैंड साइड लिया था, राइट, ये आ गया था और ये आ गया था. अब
मैंने आपको जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे और उसमें भी हम देख चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होता है. कब थीटा के इक्वल होता है? जब हमारी जो रेंज सेट था साइन इनवर्स का वो सेम हो थीटा के लिए, राइट. तो सबसे पहले चेक करते हैं, हमें गिवन है कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है माइनस हाफ से प्लस हाफ के इस इंटरवल से, ठीक है. यहाँ पर गिवन है एक्स बिलोंग्स टू माइनस हाफ प्लस हाफ. अब इसी को हम यूज़ करेंगे, राइट. अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है एट 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज पे होती है, राइट. तो 30 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6. तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, अगर एक्स जो है माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में है तो साइन एक्स किसके बीच में होगा? साइन एक्स, नॉट थीटा. वी हैव टू राइट साइन एक्स. मैंने क्या किया, मैंने हर तरफ साइन ले लिया, ये समझ सकते हो. इसको ऐसे लिख सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो, साइन ऑफ माइनस हाफ, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स और यहाँ पर साइन ऑफ प्लस हाफ, राइट. मैंने क्या किया, मैंने ये जो इनइक्वालिटी थी इस कंप्लीट इनइक्वालिटी पे साइन फंक्शन लगा दिया, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन ऑफ माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, एक्स पे भी साइन लगाया, लेस देन इक्वल टू साइन हाफ. अब हम वैल्यूज रखेंगे. साइन माइनस हाफ हमारा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस हाफ हमारा होता है नॉट साइन, हमें साइन इनवर्स फंक्शन लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स फंक्शन की. और एक चीज़ और, जब आपने ये पुट किया था कि एक्स जो है हमारा इक्वल है साइन थीटा के, तो यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ. क्या लिख सकती हूँ कि हमारा जो थीटा है, थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है. ये भी आपको ध्यान रखना है. तो हम यहाँ पर मैं क्या लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर थीटा लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या लूँगी, साइन इनवर्स, ठीक है. अब साइन इनवर्स माइनस हाफ यानी कि साइन की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है, माइनस हाफ होती है एट माइनस पाई बाय 6, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया माइनस पाई बाय 6. और साइन इनवर्स एक्स, मैंने अभी अभी कहा कि साइन इनवर्स एक्स अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन लगाऊंगी तो मेरे पास थीटा के इक्वल आएगा. तो थीटा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पाई बाय 6. यहाँ से मेरे पास आया कि जो थीटा की वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 में वेरी करती है. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 थीटा, ठीक है. तो मल्टीप्लाई इट बाय 3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा दिस इंटू 3. यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 थीटा एंड देन अगेन पाई बाय 6 इंटू 3. यहाँ से 1/2, ये 1/2. तो आंसर मेरे पास आ गया कि मेरा जो थीटा है वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करता है. थीटा यहाँ पर क्या है हमारा, मतलब एंगल क्या है, एंगल है हमारा 3 थीटा. तो 3 थीटा वेरी करता है फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. और अगर आपको याद हो तो हमारी जो कंडीशन है साइन इनवर्स ऑफ साइन सम एंगल थीटा, वो थीटा के इक्वल तब होता है जब हमारे पास एंगल जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करे, दैट इज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 थीटा. और अब ये थीटा किसके इक्वल है वो हमें लिखना है. थीटा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स एक्स. तो हमारे पास आंसर आ गया 3 sin inverse x. क्या ये 3 sin inverse x हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? यस. तो इसका मतलब हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड हम लेकर चले और हमने उसको सॉल्व किया और लास्ट में हमने दिखा दिया कि वो किसके इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया वो देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में एक हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी थी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 11 में कर चुके हैं. वो आइडेंटिटी क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin theta माइनस 4 sin cube theta, राइट. ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैंने देखा कि ये वाली जो टर्म है कम्प्लीट, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की जगह एक्स होता तो ये और ये टर्म सेम है, इसलिए मैंने क्या किया, x की जगह पर पुट कर दिया साइन थीटा. मेरे पास राइट हैंड साइड क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ 3 sin theta माइनस 4
साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा का, तो यहाँ पर आ गया साइन थ्री थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा, ये थ्री थीटा के इक्वल तो होता है, लेकिन कब, जब ये एंगल जो है हमारा ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करे, इस इंटरवल से बिलोंग करे, राइट। तो इसलिए हमने पहले चेक किया कि क्या ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। कैसे चेक किया, हमें गिवन था कि x बिलोंग करता है माइनस हाफ से प्लस हाफ के क्लोज इंटरवल में, मैंने उसी को यूज़ किया है यहाँ पर माइनस हाफ से प्लस हाफ, उसके बाद साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दिया और मेरे पास क्या आ गया, माइनस पाई बाई सिक्स से प्लस पाई बाई सिक्स के बीच में हमारा थीटा वेरी करेगा। हमें क्या चाहिए था, थ्री थीटा हमें ज़रूरत थी, राइट। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई थ्री किया तो मेरे पास आ गया कि जो थ्री थीटा है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, और इसलिए मैं लिख सकती हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, थ्री थीटा के। और थीटा हमारा किसके इक्वल था, यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया कि थीटा जो है वो इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ एक्स के, तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी, थ्री साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में वो हमने शो कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए। फर्स्ट, हम जो आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं वो। सेकंड, हमें जो एक्स दिया हुआ है वो जिस इंटरवल में दिया हुआ है उससे हमें थीटा जो एंगल था उसका इंटरवल भी चेक करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट कर लिया है और हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2, दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू।